स्पीकर, सबसे पहले तो मुझे तवक्को है कि जो एक तरीक़ाकार है बात करने का, कि उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। और मैं बार बार उठ रहा हूँ और एक एमपी साहब जो है वो तीन बार बात कर रहा होता है, तो काइंडली जो है इसका आप देख लें। और दूसरी बात, आसिफ रेखी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ नई जिम्मेदारी और नया अहदा लेने के लिए। जनाब स्पीकर, जिस तरह सना बलोच साहब ने कहा कि कल 21 फरवरी को पूरी दुनिया में मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया गया, उस हवाले से पाकिस्तान और बलूचिस्तान भर में तकरीबात हुई, तकारीब हुई, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से और मुख्तलिफ इदारे जो ज़ुबानों पर काम करते हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। जनाब स्पीकर, गुजारिश है कि दुनिया भर में इस वक्त 7,000-7,500 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती है। ये 7,000-7,500 ज़ुबानें ये इंसानी वरसा है, इसमें 3,500 ज़ुबानें ऐसी है जो मादूम हो रही है, जो ख़त्म हो रही है, जिसके बोलने वालों की तादाद बिल्कुल ख़त्म हो रही है। और इसी तरह अगर पाकिस्तान में आए तो यहाँ तकरीबन 80 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती है। और इस ज़ुबान को साथ जुल्म ये होता है कि इन्हें मकामी और लोकल ज़ुबानें करार देकर इनको ख़त्म किया जाता है। अब 80 ज़ुबानें, उससे मुराद 80 सिविलाइजेशन है, 80 तहजीब है, 80 अकवाम है जिनकी अपनी रिवायात है, अपनी तारीख है, अपना कल्चर है, और इन ज़ुबानों से जुड़े हुए उनके अदब है, और इस ज़ुबानों से जुड़े उनके आर्टिस्ट हैं जो इन ज़ुबानों को ज़िंदा रखते हैं। लेकिन यहाँ ये हुआ है कि पाकिस्तान में चंद एक ज़ुबानों को छोड़कर बाकी तमाम ज़ुबानें जो है वो मादूम होने की ख़तरे से दो चार है, जिसमें हज़ारगी ज़ुबान भी शामिल है, जिसमें GB की और KP की बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें हैं जो ख़त्म होने के ख़तरे से दो चार है। तो इस हवाले से खुसूसन बलूचिस्तान में जो ज़ुबानें बोली जाती है, हज़ारगी के हवाले से हमने करारदाद भी लाई थी कि PTU बुलान में उनकी नुमाइंदगी दी जाए, लेकिन ये हुआ है कि उस करारदाद पर अमल दरामद नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ की जो ज़ुबानें हैं, जिसमें पश्तो है, बलोची, ब्रावी है, हज़ारगी है, इसके इदारे हैं, जैसे पश्तो अकेडमी, बलोची अकेडमी है, ब्रावी अकेडमी है, ब्रावी अदबी सोसाइटी है, पश्तो अदबी गोरजंग है, हज़ारगी अकेडमी है, कैबला गाजरगी है, इनके फ़र्ज़ में इजाफा किया जाए, ताकि जो कौमी ज़ुबानों का जो अदब तख्लीक होता है उनकी किताबें ज़्यादा छपें, उनमें जो है जो आर्टिस्ट है उन आर्टिस्ट को जो है सहूलियत मुयसर हो, और इसके अलावा जो करारदाद है उस करारदाद पर अमल दरामद किया जाए, और खुसूसन जो PTU बोलान है उसमें हज़ारगी ज़ुबान को नुमाइंदगी दी जाए। दूसरी बात, जो मादरी ज़ुबानों में तालीम के हवाले से कही जाती है, पिछली असम्बलियों में चूँकि हमारी नुमाइंदगी नहीं थी तो हम पर फ़ारसी के नाम पर एक ज़ुबान मुसल्लत की गई कि फ़ारसी जो है हज़ारा कौम की ज़ुबान है। मैं इस हाउस में क्लियर करना चाहता हूँ कि फ़ारसी फ़ारस की ज़ुबान है, ये हज़ारा कौम की ज़ुबान नहीं है। हज़ारा कौम की ज़ुबान हज़ारगी है, जो तुर्की, मंगोली, संस्कृत और उर्दू और दरी से जो है मिलकर बनी है। जो फ़र्क सराइकी और पंजाबी में है, वही फ़र्क हज़ारगी और फ़ारसी में है। जो ज़ुबानें हम यहाँ पर बोलते हैं, हज़ारगी बोली जाती है, ये ज़ुबान ईरान में जो है कोई नहीं समझ सकता। लिहाजा हम इस हाउस से, हमारे कुलीग से इनसे गुजारिश है कि हमें जो है फ़ारसी के साथ ना जोड़ा जाए। हमारी अपनी एक ज़ुबान है, हमारी अपनी एक डिक्शनरी है, और जो आने वाले जो दर्स तदरीस का जो अमल प्राइमरी लेवल पर होगा उसमें हज़ारगी को शामिल किया जाए और हज़ारगी में दर्स तदरीस दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब स्पीकर, एक और अहम बात जो आजकल डिलिमिटेशन के हवाले से है, इंतखाबात के हवाले से है, उसमें जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहूँगा कि जो डिलिमिटेशन का मामला है, खुसन कोयटा के जो शहरी हल्के हैं वहाँ पर सियासी जमातों के भी तहफ़ुज़ात हैं, जो इन्होंने जो है अपने एतराज़ात भी जमा किए हैं। मैं आपसे रुलिक चाहूँगा कि इस पर जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने आ जाए, हमें ब्रीफ कर ले। मुझसे पूछा जाता है, वैसे थे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट, कि ये मामला क्या है, किस तरह की डिलिमिटेशन हुई है, इस पर सूबाई हुकूमत की पॉलिसी क्या है, तो आप काइंडली रूलिंग दें कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आए और हमारी स्टैंडिंग कमेटी जो मुतलका है उसको ब्रीफ कर ले इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी।